close till I get up. Time is barely on our side. तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को ले चलूँगी पुराने दिल्ली की गलियों में, जहाँ की आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मन में वहाँ का एहसास दिलाती रहती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के किचन। और आज मैं आप सभी के लिए ले आई हूँ स्टफ़ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टफ़ मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए है दशहरी आम। तो फ्रेंड्स, मैंने दशहरी आम इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने हर तरह के आम को ट्राई किया और जिसमें मुझे परफेक्ट रिज़ल्ट मिला तो फ्रेंड्स दशहरी आम थे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी यही आम लेना, आपको इसमें परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक आम को ले लूँगी और इसे ऊपर से थोड़ा सा कट लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है और इसे हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टोपी जो है ना, ये आपको इसे बचा के रखनी है क्योंकि ये टोपी बाद में बहुत काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी जो आम की गुठली है उसके चारों तरफ हम चाकू फेर लेंगे ताकि हमें ये गुठली बाहर निकालनी है तो इजीली निकल जाए। बहुत ही सावधानी से आपको फ्रेंड्स काम करना है ताकि जो हमारा आम है वो भी बचा रहे और गुठली भी बाहर निकल जाए अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं इसे निकाल ही रही हूँ बिल्कुल ध्यान से। तो फ्रेंड्स, ये एक तो प्रैक्टिस में बहुत आराम से बन जाएगा आपसे भी, क्योंकि मुझसे भी बहुत बार बिगड़ा था, बट मेरे से भी एक दो प्रैक्टिस में निकल गया था। तो फ्रेंड्स, अभी गुठली थोड़ा सा ढीली पड़ गई है, आप इसे थोड़ा सा नीचे से ट्विस्ट करो। और मेरे पास ये चिमटी थी तो मैंने इसे पकड़ के निकाल ली है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये नहीं है तो जिसे हम कभी दूध वगैरह पकड़ते हैं ना, या फिर कभी रोटी सेकते हैं, तो फ्रेंड्स आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत आसानी से। तो फ्रेंड्स, मैंने आम की गुठली को बाहर निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हो बहुत इजीली निकल गई है। तो फ्रेंड्स, अभी जो ये आम की गुठली में एक्स्ट्रा मटेरियल है ना, तो इसे भी हम लोग उसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले इस कटोरी के ऊपर मैं आम रख देती हूँ और अभी इसमें डाल देंगे उसका एक्स्ट्रा पोर्शन। तो फ्रेंड्स, दो आम यहाँ पर रेडी हैं, तो अभी मैं आपको एक और करके बता दूँगी जिससे आपको भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आम को कट कर लिए हैं और ये इसकी टोपी हो गई अलग। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी टोपी बिल्कुल बचा के रखनी है कि ये टोपी बाद में बहुत काम आने वाली है। जब लास्ट में इसमें कुल्फी भरेंगे ना, तब ये काम पे आएगी वापस इसे ढकने के लिए। तो फिर से फ्रेंड्स वही टेक्निक हम लोग अपना रहे हैं कि गुठली को आम से अलग करने की कोशिश। तो यहाँ पे चाकू मैंने चारों तरफ फिरा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो चाकू है वो आम से बाहर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ जब आप इस पर कुल्फी भरोगे ना तो कुल्फी थोड़ी सी बाहर आ जाएगी। तो बिल्कुल सावधानी बरतते हुए इसके चारों तरफ हम लोग चाकू की फेर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चाकू को मैंने अच्छे तरीके से फेर लिया है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा नीचे से प्रेस करेंगे ताकि जो गुठली है आम की वो थोड़ी सी ऊपर आ जाए। तो आप लोग देख सकते हो जो आम की गुठली है वो थोड़ी सी ऊपर आ गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास चिमटी थी तो मैंने चिमटी की हेल्प ले ली। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आप दो चीज़ का और इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसे हल्का सा ट्विस्ट करते हुए हम आम की गुठली को बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, गुठली आ गई है बाहर, आप देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल आसानी से। तो फ्रेंड्स, आम रेडी है और बारी आती है कुल्फ़ी रेडी करने की। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेंड्स आधा के जी फुल फैट मिल्क। फ्रेंड्स, कुल्फ़ी बनाने के लिए आप फुल फैट मिल्क ही लीजिएगा, वही बेस्ट आपको रिज़ल्ट देने वाला है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मिक्स करते हुए हमें इसे चलाना है जब तक कि रिड्यूस ना हो जाए अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, दूध में बॉईल आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो कॉर्नर पे ये दूध लग रहा है ना, हमें बिल्कुल इसे छुड़ाते हुए पकाते रहना है इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, दूध आधे से ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जैसे कि रेड कोकोनट। फ्रेंड्स, आप जब भी बाहर खाते होंगे कुल्फी तो उसमें ये ज़रूर मिक्स होता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका इसमें। तो फ्रेंड्स, हमारा दूध हो गया है लगभग एक तिहाई हिस्से का, तो अब इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी कमी चीनी ऐड करें या तो फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। साथ ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा इलायची। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ इलायची के दाने ऐड कर दिए हैं, इसका फ्लेवर बहुत बेस्ट आता है। चाहे तो ऐड करना, चाहे तो फिर आप इसे स्किप भी कर देना। फ्रेंड्स, कुल्फी रेडी है और अब इसे छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स, हमारी कुल्फी और आम दोनों के दोनों ही रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, आम को रख दिया था मैंने यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में ताकि ये सेट हो जाए। और ये देखो कुल्फ़ी हमारी कितनी दानेदार बनी है, जो नारियल डाला था खासकर उसकी वजह से। फ्रेंड्स, बारी आती है अभी इसे फिल करने की।
तो यहाँ पे मैं एक आम को फिल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने भर के इसे फिल कर लिया है, लेकिन फ्रेंड्स आपको इसे एंड तक फिल नहीं करना है, क्योंकि जब कुल्फ़ी आपकी जम जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही इसे भरूँगी, यानी कि ऊपर तक नहीं ऐड करूँगी इसे। फ्रेंड्स कुल्फ़ी यहाँ पे भर गई है, और जो बोला था ना टोपी बचा के रखना, तो ये रही टोपी, और टोपी का काम है, टोपी को बंद कर दिया है हमने अच्छे से। सभी को मैंने अच्छे से फिल कर लिया है, और अब हम ये छोड़ देंगे रेफ्रिजरेटर में ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। तो फ्रेंड्स लगभग 8 से 9 घंटे के लिए जाएंगे रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स लगभग 8 से 9 घंटे बाद की ये शूटिंग है। तो फ्रेंड्स आम हमारे बिल्कुल से सेट हो चुके हैं, और आइसक्रीम हमारी बिल्कुल सेट हो गई है। तो ग्लास से मैंने इन्हें बाहर कर लिया है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसे छील लेंगे। तो सबसे पहले इसकी टोपी हटा देंगे, और फ्रेंड्स आपको इसे बहुत ही आराम से छीलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ठंडा होता है और हाथ में पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। तो चाहे तो आप यहाँ पे एक कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल फ्रेंड्स मैं तो इसे बिना कपड़े के ही छील रही हूँ, तो एक शार्प नाइफ़ की हेल्प से आप इसे छील लेना अच्छे से, बिल्कुल आराम से, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा फिसलता भी है थोड़ा सा ठंडा होने के कारण यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आम हमने छील लिया है, और ये बिल्कुल रेडी है कट करने के लिए। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसके मोटे या फिर पतले टुकड़े कट कर सकते हो, आपको जो पसंद हो उस शेप में इसे कट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स इसे गोल कट करना, फ्रेंड्स गोल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे गोल ही कट करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी को कट कर लिया। तो फ्रेंड्स हमारी मैंगो स्टफ्ड आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है, और इसे मैंने डेकोरेट कर दिया है, साथ ही इसे हम गार्निश कर देंगे थोड़ा सा बादाम, आप चाहे तो पिस्ता के साथ भी कर सकते हो, जो मर्ज़ी फ्रेंड इसमें ऐड कर दो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।